श्री रांदल विद्यालय मोरबी धोरण 5 विषय हिंदी पाठ 13 स्वच्छता। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, એટલે કે સ્વચ્છતા અને સાથે સાથે આપણું સ્વાસ્થ્ય બંનેને ખૂબ જ એકદમ નજીવો સંબંધ છે। સ્વચ્છતા કે અભાવ મે ગંદકી ફેલતી હે, મતલબ કે જ્યાં સ્વચ્છતા હોતી નથી તો ત્યાં ગંદકી ફેલાય છે। યદિ હમ સ્વચ્છતા સંબંધી સતર્કતા રખે ઓર ઉચિત સ્થાન પર હી કૂડા ડાલે તો સ્વચ્છ જગત સુંદર જગત કા નિર્માણ કર સકતે હે, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। जो आपने स्वच्छता ने माटे आपने जागृत रहिए अने कचरो आपने योग्य जगह नाखिए तो आपने स्वच्छ जगत अने सुंदर जगत नु निर्माण करी शकिए छे अने साथे साथे आपने बदा स्वस्थ पण रही शकिए छे। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक दिवस अजय मोहन ने पोताना जन्मदिवस पर बोलाव्यो। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी अने मोहने अजय ने भेट आपवा माटे वार्तानी एक पुस्तक लीधी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। अने ते पुस्तक ने मोहने एक रंगीन कागड़ में वीटी अने अजय ना घरे जवा मांडियो। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। अने जेवो ज मोहन अजय नी शेरी में पहुंचियो के तरत ज तेना ऊपर एक केड़ा नी छाल पड़ी। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। अने मोहन मन में विचारतो हतो के छी छी केटली बड़ी खराब आदत छे। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। मोहने ते छाल ने उपाड़ी अने आजू बाजू में जोयु। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। थोड़ा दूर तेने एक कचरानी टोपली देखाणी। उसने छिलका उसमें डाल दिया अने मोहने ते छाल ने कचरानी डोल में नाखी दीदी। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था, मतलब के घणो बधो कचरो कचरा टोपली नी बाहर पड़ियो हतो। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, एटले के कचरा टोपली नी आजूबाजू में घणी बधो कचरो वेरायेलो हतो अने तेना पर घणी बधी माखियो फैलायेली हती अने आजूबाजू ज्यां जुओ त्यां गंदगी ज हती। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। थोड़ोक मोहन आगळ वध्यो तो मोहन ने खूब ज गंदकी खराब वास आवी। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी अने मोहने जोयु के गटरों नी अंदर घणो बधो कचरो हतो जेना हिसाबे पानी जतू न हतु अने तेना कारणे खूब ज वास आवती हती। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा अने मोहने नाक पर रुमाल राख्यो अने अजय ना घरे पहुंची गयो। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे अने त्यां अजय ना बीजा घणा बधा मित्रों आव्या हता। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया अने अजये तेनी माँ अने तेना पप्पा साथे मोहने मड़ाव्यो। अजय की दादी जो बीमार थी मोहन ने उनसे भी मिला अने अजय नी दादी माँ के जे बीमार हता तेने पण मोहन मड़ियो। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। मेज एटले के टेबल।
टेबल ऊपर घणी बधी जमवानी वस्तु राखेली हती अने जेना पर घड़िए वड़िए वारंवार माखीओ आवी जाती हती। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं करती? मोहने तेना मित्र अजय ने कीधु, अजय तारा मोहल्ला में आटली बधी गंदगी केम छे? शुं नगरपालिका अहीं साफ सफाई करती नथी? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। आ बधु सांभळी ने अजयनी माताजीए कीधु के बेटा नगरपालिका ने गाड़ी अहीं आवे छे, जग्याए जग्याए कचरा पेटी पण छे, पण केटलाय लोको तेमा कचरो नाखता नथी अने तेवा लोको रस्ता पर ज कचरो फेंकी दे छे, एटला माटे ज अहीं सफाई रहती नथी। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। बीजा दिवसे स्कूल में मोहने तेना वर्ग शिक्षक ने आ बधी वात जणावी। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए। अने मोहनना अध्यापके एम कीधु के मोहन तू केस ते बधु साचू छे, गंदगी घणा बधा रोगोनू मुख्य कारण छे। नगरपालिकानू काम पोताना नगरने स्वच्छ राखवानू तो छे, पण साथे साथे आपणे पण नगरपालिकानी खूब ज मदद करवी पड़े। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का प्रारंभ करें। तो चल एक दिवस आपणे बधाय अजयना मोहल्लामां जईए अने आपणे बधाय सफाई करवानुं कार्य शुरू करिए। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए अने रविवारना दिवसे बधा ज अजयना मोहल्लामां गया। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे अने बधाना हाथ में एक एक टोपली अने एक एक सावरणी अथवा सावरणो हतो। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया अने रस्ता ऊपर तेमने सावरणी थी सफाई करीने एक जग्याए कचरो भेगो करियो, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया, गटरोनी पण सफाई करी अने पाणी जवानो रस्तो पण बनाव्यो। उनमें मच्छर और मक्खी मारने वाली दवा डाली अने तेमा माखी मच्छर मारवानी दवा नाखी, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा अने कचरा पेटी ऊपर ढाकणू ढाक्यू। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। मोहल्ले में एटले के त्यां आजूबाजू रहेवा वाला बधा ज लोको घरोनी बहार निकली आव्या अने आ बधाने जोवा लाग्या। बच्चों में बहुत उत्साह था, देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया अने बाळको मां खूब ज उत्साह हतो अने जोता जोता ज आखो मोहल्लो साफ थई गयो अने बधी जग्याए स्वच्छता फैलाई गई। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाल अने अध्यापके बधा ज लोगों ने समझाव्यु के घरनो कचरो कचरा पेटी में ज नाखे, वे घर के आसपास सफाई रखे क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं अने ते लोगों घरनी आजूबाजू में सफाई रखे कारण के गंदगी ना कारणे ज रोगोनो फैलावो थाय छे। उन्होंने कहा,
मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। अने तेमणे कीधुं के मारी शाळाना बाळको अठवाडियामां एक वार अहींया आवशे अने ते बधा तमारा मोहल्लानी साफ सफाई करशे अने तमे बधा पण काम करवामां तेमनी मदद करजो। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। अने तेमानामाथी एक व्यक्ति आगळ आव्यो अने बोल्यो, ना ना, आ बाळकोने अहींया आवानी कोई पण जरूरियात नथी। अमे बधा હવે સાથે મળીને અમારા મોહલ્લાને સાફ સુથરું રાખશું અને હવે તમે આ મોહલ્લાને હંમેશા સાફ સુથરું જોશો।